डियर स्टूडेंट्स इन दिस स्टेंजर वी विल डिस्कस द नाइनटींथ इस्टैंडा ऑफ द पोएम एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चार्च यार्ड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडा इसको बहुत केयरफुली आप सुनिएगा और प्रिपेयर करिएगा लाइन्स फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ their sober wishes never learn to stray along the cool sequestered veil of life they kept the noiseless tenor of their way अब इस स्टेंजा में पोइट बात कर रहे हैं आ, जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं इन दी लास्ट स्टेंजाज़ सेंचर नंबर सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन में जो आइडिया चल रहा था कि दे वर कैप्ट अलूफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम लाइफ वी कैन से बड़े बड़े काम करने का उन्हें मौका नहीं मिला बट एट द सेम टाइम उन्हें बुरे काम करने का मौका भी नहीं मिला तो दे लिव्ड पीसफुली इन दैट रिमोट विलेज एक जो उनका दूर सा जो गांव था उसमें दे लिव्ड अ वेरी पीसफुल एंड काम लाइफ एंड दैट इज इन इट्स सेल्फ आ ब्लेसिंग लाइन्स को देखते हैं फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड फार मीन्स दूर मैडिंग मीन्स यू मैन से मैड क्राउड यानि भीड़ वो दूर भीड़ से दूर थे उस भीड़ से दूर थे विच वॉज मैडनिंग वो जो पागल हुई जा रही थी भीड़ अब यहाँ भीड़ से मतलब है कि एक्चुअली uh, वहाँ कोई क्राउड नहीं थी पर वो भीड़ है ऑफ ओवर एम्बिशियस पीपल वो लोग जो अति महत्वाकांक्षी हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में वो बहुत कुछ अपने uh, संघर्ष उनके जीवन में चलता रहता है दूसरों से उनका टसल चलता रहता है लोगों को लेट डाउन करने में वो अपनी बहुत सारा मैन्युपुलेशन अपनी एनर्जी भी वेस्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम समवेयर दे स्पॉयल देयर कर्म आल्सो क्योंकि जो दूसरों के साथ वो गलत करते हैं तो समवेयर दे हैव ऑल्सो बेयर द रेप्रिकॉशंस ऑफ इट तो वो सब उन्हें करना पड़ता है और अब इसमें वो आगे कहते हैं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोब सोल स्ट्राइफ अब स्ट्राइफ कहते हैं संघर्ष कि ये जो संघर्ष चलता रहता है और ये संघर्ष कैसा है इग्नोबल नोबल यानी जो अच्छा है इग्नोबल उसका ऑपोजिट यानी मीन सॉर्डेड जो गलत तरीके का संघर्ष एक संघर्ष होता है व्हेन द पर्सन इज स्ट्रगलिंग टू डू समथिंग बेटर इन इज लाइफ ये कुछ अच्छा कर पाए वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बेहतर आ पाए और दूसरा होता है कि बेहतर तो होना है मगर खुद को बेहतर करने में हमें दूसरों को भी इफ वी हैव टू लेट देम लेट देम डाउन और लेट देम स्पॉइल और लेट देम रूइन तो पीपल डोंट हैजिटेट समटाइम्स पीपल इवन डोंट हैजिटेट टू रूइन अदर्स जस्ट टू जस्ट टू फील देट दे आर बेटर देन देम तो अपने आप को अच्छा महसूस करवाने के लिए भी लोग ऐसा करते हैं दूसरों के साथ तो दिस इज इग्नोबल स्ट्राइफ ये एक ऐसा संघर्ष है जो गलत है स्ट्राइफ का संघर्ष और कैसा uh, किस चीज़ का संघर्ष है वीकेंड से uh, आप लिख लीजिए इसका मीनिंग स्ट्रगल होता है वैसे स्ट्राइफ का मतलब संघर्ष यानी स्ट्रगल फॉर वेल्फ एंड पावर धन और संपदा शक्ति के लिए जो संघर्ष है कि हमें जब दूसरों से बेहतर धन मिल जाए और शक्ति मिल जाए सो दैट वी कैन डिस्प्ले दैट पावर टू अदर्स हम दूसरों का और जनरली लोग पावर का मिस यूज ही करते हैं टू डिस्ट्रॉय अदर्स टू शो ऑफ अदर्स दैट दे आर बेटर देन देम इस सारे आ, आ, कहना चाहिए टग ऑफ वॉर से जो खींचा तानी से वो दूर थे देवर फार फ्रॉम दिस मैडिंग मैड क्राउड वो दूर रहे इस सब चीजों से और क्या कैसे थे वो देर सोबर विशेज अब जो देयर आ रहा है बेटा ये आ, उन डेड विलेजर्स के लिए आ रहा है जिनको पोइट ने द रूट फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट कहा है तो उनकी जो विशेज हैं डिजायर्स हैं वो कैसी थी सोबर वर्चुअस अच्छी डिजायर्स थी नेवर लर्न टू स्ट्रे देर डिजायर नेवर मीन्स कभी नहीं लर्न टू स्ट्रे माने होता है स्ट्रे मीन्स पथ भ्रष्ट हो जाना अपने रास्ते से भटक जाना यानी सही रास्ते से गलत रास्ते पर चले जाना तो दे नेवर गॉट डिस्ट्रैक्टेड और डेविएटेड फ्रॉम दी राइट पाथ Uh, from the virtuous path along the cool sequestered wayl of life they were living आप इसमें आगे ऐड कर लीजिए तो you will understand it better uh, they were living वो रह रहे थे कहां <coughs> along the cool sequestered peaceful cool का मतलब ठंडा काम and sequestered peaceful so they were living a इन अ काम एंड पीसफुल एनवायरमेंट वे ऑफ लाइफ तो ये जो उनका रिमोट विलेज था दे वर लिविंग देयर इन अ कूल एंड पीसफुल एटमोसफेयर एंड दे द नॉइजलेस टेन्योर ऑफ देयर वे टेन्योर कोर्स वो एक ऐसा जीवन उन्होंने व्यतीत किया जो कैसा था नॉइजलेस तो नॉइजलेस था यानी शोर नहीं था वहाँ तो किस बात का शोर नहीं था जो अभी हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा इग्नोबल स्ट्राइफ यू एंड क्राई एक वर्ड इंग्लिश में होता है जो शोर मचाने के लिए एच यू ई एंड क्राई सी आर वाई बहुत शोर मचाना एक दूसरे को खींचा तान करना मतलब खुद को अच्छा दिखाने की होड़ में हम काफ़ी गिर जाते हैं फ्रॉम आवर डिसेंसी जो हमारी गरिमा है उससे हम गिर जाते हैं तो इन सब चीज़ों से वो दूर रहे इट वॉज देयर गुड फॉर्च्यून वी कैन से वो uh, सौभाग्य से उन्हें गलत काम करने का मौका नहीं मिला तो दिस वॉज गुड फॉर देम अकॉर्डिंग टू टॉमस ग्रे